Students, I am with my teacher from Paras English School. Today I am going to teach you subject Max Magic Workbook Standard 1. अपने क्या करेंगे, रिवीजन, अपना रिवीजन पहुंचा था चिल्ड्रन, यहाँ तक अपने रिवीजन कराया था। अब अपने आए थे यहाँ पर, आए थे चिल्ड्रन अपने। अब देखो यहाँ पे है रोलिंग और सॉल्डिंग, क्या है रोलिंग एंड सॉल्डिंग। फिर था यहाँ पे पुट फ्राइट फॉर द रोलिंग सब्जेक्ट्स एंड क्रॉस फॉर द सॉल्डिंग सब्जेक्ट्स इन द बॉक्स गिविंग दिया। तो रोलिंग जो रोल आकार में है, क्या बोला है रोलिंग ऑब्जेक्ट और सिलिंडिंग है। रोलिंग के ऊपर क्या करना है अपने को, राइट, जो रोलिंग वाला देखो बॉल रोलिंग तो उसके राइट, पेंसिल रोलिंग है तो राइट, ये रोलिंग है तो इस पर, फिर ये बैटरी रोलिंग तो राइट का निशान करना है, और ये वाला ये भी टमाटो भी रोलिंग है, ये ऑनियन भी रोलिंग है, इस तरह से ये वाला कैन भी रोलिंग है तो इसके ऊपर राइट, ये कैसा है ये भी इस तरह से, एप्पल भी रोलिंग इस तरह से। अब क्रॉस का निशान, अब ये बैट रोलिंग है तो इसके ऊपर रॉन्ग, ये लौकी भी रोलिंग नहीं है, ये माचिस भी रोलिंग नहीं है, ये ग्रीन टी भी रोलिंग नहीं है, फिर ये सूटकेस भी रोलिंग नहीं है, इस तरह से ये भी रोलिंग नहीं है। अब यहाँ है मैच द सिमिलर स्टेप्स, तो ये वाले स्टेप्स को सर्कल को यहाँ से इससे मैच करना है। अब ये वाला स्टेप्स कहाँ मिल रहा है चिल्ड्रंस अपनों को, ये रहा, तो अपनों को इससे यहाँ पर से मैचिंग करना है। अब ये वाला यहाँ पे, ये वाला चिल्ड्रंस यहाँ से मैचिंग, अब ये वाले को इधर से और ये वाले को यहाँ से मैचिंग करना है चिल्ड्रंस। अब यहाँ पे दिया था 11 नंबर में कलर द सिमिलर शेप्स ब्लू एंड बिगेस्ट शेप्स ग्रीन, तो यहाँ पे ब्लू और ग्रीन, यहाँ पे बड़े पे ब्लू स्मॉल पे ग्रीन, यहाँ पे ब्लू और ग्रीन, यहाँ पर ब्लू पिंक ग्रीन और ब्लू, यहाँ पर भी ग्रीन और ब्लू, और यहाँ पर इसमें ग्रीन और ब्लू करना था। फिर 12 नंबर में है राइट ऑन द सेट्स विच सिमिलर साइज टू द सेट गिव ऑन द लेफ्ट साइड, तो ऐसा देख के देखो ये इसके जैसा है, तो इस पर अपने को क्या करना है चिल्ड्रन सर्कल, फिर ये वाला इसके जैसा है तो इसके ऊपर अपने को सर्कल करना है, ये इसके जैसा है तो ये इससे मैचिंग है तो इसके ऊपर सर्कल, फिर ये इसके जैसा है तो इसके ऊपर चिल्ड्रन सर्कल करेंगे, फिर यहाँ पर ये इसके जैसा है तो यहाँ पर सर्कल करेंगे, फिर यहाँ पर है ये सर्कल जैसा है तो इसको यहाँ से मैचिंग, अब ये वाला इसके जैसा है तो यहाँ से मैचिंग, और यह वाला इसके जैसा है से मैचिंग करेंगे। अब इस तरह से यहाँ पे ऑरेंज पिंक रेड येलो ब्लू कलर करना है। अब यहाँ पे दिया है वो नंबर में हु इज द इनसाइड द बास्केट, तो बास्केट में ये था तो यहाँ पे राइट किया है और यहाँ पे रॉन्ग, यानी ये नहीं थी इसलिए यहाँ पर रॉन्ग कर दिया चिल्ड्रन। अब यहाँ पे है हु इज सिटिंग आउटसाइड द टैंक, तो ये सीटिंग में कौन था, ये बेचा था टेंट के पास, यानी कैमल तो राइट और कैट नहीं थी तो रॉन्ग है। फिर वो इज द आउटसाइड बास्केट, बास्केट के आउटसाइड कैट थी, गॉट नहीं थी तो रॉन्ग का निशान है। हु इज द इनसाइड टेंट, तो कौन था, गॉट तो राइट और कैमल नहीं था तो रॉन्ग। फाइव नंबर में विच ट्री इज बिगेस्ट, तो ये वाले ट्री पे मंकी था तो राइट और ये वाले पे रॉन्ग। सिक्स नंबर में विच बॉट इज सिमिलर, तो यहाँ पे ये वाली बॉट थी तो राइट और ये वाली बॉट नहीं थी तो रॉन्ग का निशान। अब यहाँ पे सेवन नंबर में है विच डॉग इज बिगर, तो यहाँ पे ये वाला डॉग पास में था तो राइट का निशान, ये वाला डॉग दूर था तो यहाँ पे रॉन्ग का निशान क्या। एट नंबर में है, आठ नंबर में विच एनिमल इज सिमिलर, सिमिलर यानी छोटा, तो ये क्या छोटी तो राइट, जिराफ बड़ा है तो रॉन्ग।
फिर नाइन नंबर में हु इज ऑन द कोकोनट ट्री. या राइट चिल्ड्रंस, अब दिया है विच एनिमल इज सिमिलर. तो कौन सी सिमिलर, यानी कैट सिमिलर छोटी है, तो ये वहाँ की तरह राइट. यारो हु इज ऑन द कोकोनट ट्री, तो कौन था मंकी, तो राइट. और यानी थे तो रॉन्ग. टेन नंबर में हु इज एट द बॉटम ऑफ द साइड, तो राइट. तो कौन था बॉटम में नीचे, ये था तो राइट. और ये सब मैं रॉन्ग किया है. वॉट इज ऑन द टेबल, तो टेबल पे क्या था, तो ग्लास, तो राइट. और इसमें राइट है और ग्लास पे रॉन्ग. फिर है वॉट इज अंडर द टेबल, तो क्या था ग्लास पे, यहाँ पे राइट. और इसके ऊपर रॉन्ग किया है चिल्ड्रन. अब यहाँ पर है 1313 नंबर में वॉट इज फेदर फ्रॉम द टेंट, टेंट के पास क्या था, तो ये बॉट. तो बॉट के ऊपर चिल्ड्रंस राइट और यहाँ पर रॉन्ग. अब चिल्ड्रंस वॉट इज नियरर टू द फिश, फिशरमैन, तो यहाँ पे यहाँ राइट. तो फिशरमैन बॉट से जाता है तो राइट. और यहाँ पे काइट है तो रॉन्ग. 1515 वो इज नियरर टू द टेबल, तो क्या था ये लोग थे जो अपना मट्टी का मकान बना रहे थे, बच्चे चिल्ड्रंस थे यार राइट. ये कैमल नहीं था तो यहाँ रॉन्ग. 16 नंबर में वो इज फेदर फ्रॉम द जिराफ, तो फेदर जिराफ के पास, यानी ये थी कौन था कैट. यहाँ पे ये क्या रैबिट तो नहीं था तो रॉन्ग. फिर है वॉट इज स्टेप्स टू द काइट, तो ऐसी होती है राइट. और ये सर्कल जैसी नहीं होती तो रॉन्ग, स्केयर साइड की होती है. 8 नंबर में वॉट इज स्टेप्स ऑफ द बॉल, तो सर्कल जैसा तो राइट, इसमें रॉन्ग. फिर वॉट इज द स्टेप्स ऑफ द सिंबल फ्लैग, तो इस सिंबल पे ये वाला फ्लैग होता तो राइट, ऐसा नहीं होता तो रॉन्ग. अब यहाँ पे दिया है लेस डू यू होमवर्क, लेस डू यू होमवर्क, लेस डू यू होमवर्क. वन नंबर में डू एस डायरेक्ट, डू एस दैट, डू एस डायरेक्ट, पुट पुट राइट फॉर इनसाइड एंड रॉन्ग आउटसाइड इन द गिवन. देखो ये और बास्किट के बाद मैंगो है और ये बास्किट के अंदर है, तो ये क्या है इनसाइड, तो यहाँ पे आएगा राइट. ये बाहर है तो रॉन्ग, क्या है आउटसाइड में है तो ये बाहर तो रॉन्ग. टू नंबर टू एस डायरेक्ट, कलर द बिगर टोमेटो रेड एंड द सिमिलर टोमेटो ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन करना था, बच्चों ने रेड कर दिया, अपन आपको यहाँ ग्रीन करना और यहाँ पर रेड करना. फिर है कलर द सिमिलर ब्लैक एलिफेंट, बिग पे एलिफेंट पर रेड, तो यहाँ पे बिग एलिफेंट पर छोटे पे रेड और बड़े पे ब्लैक और छोटे पे रेड करना. फिर है पुट राइट फॉर द बिगेस्ट फॉर सिमिलर गिवन ब्लॉक. तो चिल्ड्रंस देखो ये कितने हैं, 1 2 3, ये कितने हैं 1 2 3 4 5, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो बिग है बड़े यहाँ राइट और ये सब कुछ छोटे हैं 3 यहाँ पे रॉन्ग. अब चिल्ड्रंस सबसे बड़ी वाली ये है तो यहाँ राइट, सबसे छोटे वाले उस पर रॉन्ग. 4 ए में है एस पी आर इंट्रोडक्शन फॉर राइट नियरर क्रॉस द फेदर इन द गिवन, तो नियरर ट्रिप मेरा टोटाइज है ना यहाँ पे राइट. और ये हॉर्स यहाँ पे रॉन्ग, जो नियरर यानी पास, फेदर यानी टूर. यहाँ पे देखो फेदर फ्रॉम द विंडो, तो ये पास वाला कौन सा है नियरर, यहाँ पे राइट. फेदर वाला दूर यहाँ रॉन्ग. पुट द फॉर द नियरेस्ट क्रॉस फॉर द फेदर फ्रॉम द विल इन द गिव, जो पास है इस पे राइट, जो दूर है इस पे रॉन्ग. 5 नंबर में है ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट फॉर ऑन द क्रॉस अंडर द ट्री, जो देखो पास है उस पे राइट, जो दूर है उसके ऊपर रॉन्ग.
यहाँ पे ये पास से ट्री के तो राइट और ये सबसे दूर है तो रॉन्ग। अब यहाँ पे देखेंगे चिल्ड्रन कहे मैच द सिमिलर सेप्स, ये वाला को यहाँ से मैचिंग क्या, ये वाले को चिल्ड्रन यहाँ पे मैचिंग क्या, ये बिल्डिंग के सेप से साथ इसमें यहाँ से मैचिंग क्या, ये वाले को यहाँ से मैचिंग क्या, और ये बॉल का सेप है इसको यहाँ से मैचिंग क्या। फिर दिया है 7 में कलर द रोलिंग सब्जेक्ट री रेड एंड द स्लेंडिंग ऑब्जेक्ट येलो इन द पिक्चर। तो देखो इसके ऊपर ये बुक हर अंक पे बोला है जो रोलिंग वाली गोल गोल है उसके ऊपर रेड, जो स्लेंडिंग है ऐसे आकार की है उसके ऊपर येलो, बाकी सारे बच्चों ने अपने मन से कलर कर दिया, इसलिए अपने चिल्ड्रंस आपको रेड एंड येलो कलर करना है। यहाँ पे है 4 नंबर में एक फीलिंग द कलर इज इंट्रोडक्शन। तो देखो ये वैसे बॉक्स में आपको ग्रीन ग्रीन, फिर बॉल में और सर्कल में रेड, देखो इसमें ब्लू, इसमें येलो येलो, फिर यहाँ पर भी इस तरह से ही करना है चिल्ड्रंस आपको। तो अब अपनों ने देखो चिल्ड्रंस अपनों ने कहाँ से कहाँ तक के रिवीजन करा, हमने वापस से एक बार देखते हैं। देखो अपनों ने पेज नंबर यहाँ से रिवीजन किया 5 नंबर से सेफ एंड स्पेस, ठीक है, इस तरह की पिक्चर थी अपनों ने वो भी देखा, इनसाइड आउटसाइड या इनसाइड अंदर आउटसाइड बाहर, तो ये सब भी चिल्ड्रंस अपनों ने देखा। पेज नंबर 7 था ये वाला। फिर अपनों ने बिग देखा, सिमिलर देखा, बिग यानी बड़ा, जो बड़ा था उस पर राइट, जो छोटा है उस पर रॉन्ग, यहाँ पर भी बैड, यहाँ पर राइट रॉन्ग, ये भी बिग है तो ऊपर राइट, ये छोटी है तो रॉन्ग, ये बिग है तो राइट और ये छोटी है तो रॉन्ग, इस तरह से बिग इसमें, यहाँ पर भी इस तरह से ये बिग थी तो राइट, ये स्मॉल थी तो रॉन्ग कला, जो ये बिग ट्री था तो राइट और ये छोटा रॉन्ग क्या चिल्ड्रन, इस तरह से यहाँ था बिगर स्मॉलेस्ट था, तो ये बड़ी थी बिग तो अपनों ने यहाँ पर राइट किया, सबसे छोटी थी तो रॉन्ग, सबसे बड़ा बैग था तो चिल्ड्रन तो अपनों ने राइट का निशान किया, और ये सबसे छोटा है तो इस पर रॉन्ग, इसी तरह से ये बबल्स जो बड़ा है उस पर राइट, छोटा है इस पर रॉन्ग, इस तरह से यहाँ जो बड़ी कहते हैं उस पर राइट और ये छोटी कहते हैं रॉन्ग, ये बड़ा फ्लावर है इस पर राइट, छोटा है इस पर रॉन्ग। अब यहाँ पे दिया था टॉप ऑन अबव बॉटम अंडर ब्लॉक, तो ये टॉप है तो यहाँ राइट और ये बॉटम में तो रॉन्ग, अब यहाँ पर भी तो साइड टॉप में तो राइट बॉटम में तो रॉन्ग, इस तरह यहाँ टॉप में तो राइट बॉटम में तो रॉन्ग, इस तरह से दिया है चिल्ड्रन, यहाँ पे भी टॉप में तो राइट और इसमें रॉन्ग, इस तरह से यहाँ पे 1550 नंबर तक भी है। फिर नियरर फेदर, नियरर फेदर पास में राइट रॉन्ग, दूर है तो रॉन्ग, इस तरह से ये नेस्ट के पास है तो राइट और नेस्ट से दूर है तो रॉन्ग चिल्ड्रन, और वे नियरेस्ट और फेदरेस्ट, नियरेस्ट देखो ये पास में है तो क्या दिया है द पपी नियरेस्ट टू द ट्री, तो ये सब पास में तो राइट और ये रॉन्ग, यहाँ पे सेफ अराउंड यूज थे, ये सब सेफ से देखो इन सब स्टेप्स को मैचिंग करना है, यहाँ से देखो टॉपी से इसको, सर्कल से बॉल को, गिफ्ट को, यहाँ पर इस तरह से, ये भी आपको ये पेज नंबर 21 है। फिर इस तरह से दिया था यहाँ रोलिंग और सॉल्डिंग, देखो जो रोलिंग थी उस पर राइट और जो सॉल्डिंग हिसाब से उनके ऊपर रॉन्ग है इंसान, इस तरह से यहाँ पर भी मैचिंग था। तो अपना पेज नंबर 23, अब यहाँ पर कलर करना था जो स्मॉल है और बिग है, तो यहाँ पर भी स्मॉल शेप पर सर्कल करना था जो स्मॉल यानी छोटे साइज का था इसके ऊपर, अब यहाँ पर भी मैचिंग के ये कलर था। फिर ये भी एक्टिविटी थी इनसाइड आउट इन यानी जो भी था इसके ये पिक्चर में जो दिया था उस वो सबके बारे में राइट रॉन्ग अपनों ने यहाँ पर किया चिल्ड्रन। फिर यहाँ पर भी लेस डू यू होमवर्क में वही सब होमवर्क था जो इनसाइड आउटसाइड था, यहाँ पर कलर था या बिगे फूड था राइट बिगेस्ट था स्मॉल था तो अपनों ने राइट रॉन्ग किया, यहाँ पर भी तरह से चिल्ड्रंस अपनों ने किया राइट रॉन्ग, यहाँ पर भी मैचिंग किया अपनों ने चिल्ड्रंस, यहाँ पर कलर का था और यहाँ पर भी
कलर करने का था, बिग और स्मॉल पर। चिल्ड्रन आपको ये सब आपके पेरेंट्स की मदद से प्रैक्टिस करना है चिल्ड्रंस, और नोटबुक में लिखना है। थैंक यू चिल्ड्रंस एंड वॉचिंग वीडियो।